पड़ोसी की दीवार पर लघु शंका करना एक युवक के परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसी ने लड़कों को बुलाकर युवक और उसके परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट की इस घटना में एक युवती घायल हो गई। पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, शिकायत की। पीड़ित युवती को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। आपको बता दें कि कटघर थाना क्षेत्र के पीतल बस्ती नंदलगालोनी की रहने वाली रिंकी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रात में उनके देवर बाहर बैठे थे और लघु शंका आने पर उनके देवर ने पड़ोसी की दीवार के पीछे लघु शंका कर ली। इस विवाद के चलते पड़ोसी ने कुछ लड़कों को बुला लिया और उसके घर में घुस कर मारपीट की। महिला रिंकी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमारे देवर ने इस बात की माफ़ी भी मांग ली, मगर उसके बावजूद लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी और घर में घुस कर मारा पीटा। मारपीट की इस घटना में हमारी नंद इष्टिका वर्मा घायल हो गई। महिला रिंकी ने पड़ोसियों पर घर में घुस कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार घायल युवती इष्टिका को लेकर थाने पहुंचा और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने घायल को उपचार और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमारे छोटे जो देवर हैं, उन्होंने रात ऐसी 10:30 या 11 बज रहे होंगे बाहर बैठे थे, टॉयलेट आई होगी, उन्होंने हमारे पड़ोस में जो घर है उनके पीछे दीवार पर खड़ी होगी, साइड में खड़े होगी, कोई भी नहीं था वहाँ फिलहाल। तो उनका एक छोटा हमारा जो आंटी, उनका लड़का आया, उन्होंने घर पर जाके कह दी कि ऐसे ऐसे हुआ। वो आंटी बाहर को निकल के आई और गाली बकने लग गई हमारे देवर। हमारे पापा आ गए, पापा ने पूछा क्या बात हो गई, और फिर बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर हमारे पापा ने 2 रैप्टे मारे हमारे देवर के और बोले कि यहाँ पे टॉयलेट करने की जगह है। तो पापा जो देवर थे हमारे वो बोले कि फिर मैं गलती हो गई मुझसे एक बार, आज के बाद नहीं होगी गलती। लेकिन तब भी वो आंटी मानी नहीं और गाली बकती रही, कह रही तू कुत्ता है, तू दीवार पर टॉयलेट कर रहा है ऐसे और वैसे। तो फिर ऐसी मतलब हम सब तो शांत हो गए, उन्होंने बुला लिए लड़के, हम सब घर में आ गए और उन्होंने मतलब बोली कि तू ऐसा है तेरी रिपोर्ट करूंगी मैं ऐसे और वैसे। उन्होंने मतलब फ़ोन भी कर दिया पुलिस वालों को, हम तो सब शांत बैठ गए, ये तो थे नहीं घर पे। कितने लोगों ने मारपीट की? पता नहीं, बहुत सारे लड़के थे, अब हमने गिनती विनती तो करी नहीं, अचानक से आए और आके हम सब अपने गेट के खिलाफ एफआईआर कराई आपने? कई लोग थे ऐसे, चार लोग होंगे, 4-5 लोग। और किसी से लग गया इनके सर पर? हाँ, उनके एक मतलब उनका भाई था, या उनके हाथ में चाकू था बड़ा सा, तो हम सब भी डर गए, तो हम गेट पे ही खड़े थे। और इनके जो बड़े वाले भाई थे वो समझा रहे थे उन्हें कि मतलब इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो छोटी सी बात के लिए। एफआईआर हो गई आपकी? हाँ, एफआईआर करा दी।